कल भी आज भी देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में दूसरे सीरो सर्वे के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली के लिए इससे अच्छी खबर है। दरअसल ताजा आंकड़ों से ये पता चला है कि दिल्ली में कोरोना से अपने आप ठीक होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब दिल्ली में तकरीबन हर 100 में से 30 व्यक्ति कोरोना से लड़ने वाली इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण होकर अपने आप खत्म भी हो गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतन जैन ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सीरो सर्वे में 15,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 29.1% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ये पिछले सर्वे के मुताबिक 6% ज्यादा है। खास बात यह है कि इनमें 28.3 पुरुषों और 32.2 महिलाओं में एंटीबॉडी मिले हैं, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाली इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती दिख रही है। इसका सीधा अर्थ यह भी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से उभरने वालों में महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। आपको बता दें, सर्वे 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में दिल्ली के विभिन्न जिलों में 15,000 लोगों पर किया गया। इसमें 25% सैंपल 18 साल से कम एज ग्रुप का लिया गया है, जबकि बाकी 25% सैंपल 50 साल से अधिक उम्र वालों के लिए गए हैं। रिपोर्ट दिल्ली तक।